सो आनंदित है ना? यस मैं सच में प्रभु का बहुत धन्यवाद करता हूँ कि खुदा ने हमें एक बार फिर से मिलाया है। ये उसके अनुग्रह के कारण हुआ है ना? उसका अनुग्रह अगर हमारे जीवन पे ना हो तो हम मिल नहीं सकते। हम क्या नहीं कर सकते? मिल नहीं सकते। हम एक क्षण भी जीवित नहीं रह सकते अगर उसका अनुग्रह हमारे ऊपर ना हो। विश्वास करते? एग्री करते? यस। परमेश्वर का अनुग्रह हमारे लिए बहुत है। आज जिस विषय पे मैं बात करने पर हूं, आप लोगों ने जो ऑनलाइन है उन्होंने पढ़ लिया होगा कि पेड़ अपने फलों से पहचाना जाता है। क्या इस बात को जोर से बोल सकते हैं? अपने पड़ोसी की तरफ देख के बोलिएगा, बोले पेड़ अपने फलों से पहचाना जाता है। सही से बोलिए ना, ध्यान से बोलिए थोड़ा सा। हाँ हाँ, नहीं, एक दूसरे को देख के बोलना है ना? निशाबन हंसना नहीं है, बोलना है। पेड़ अपने फलों से पहचाना जाता है। हालेलुया। यस, आप एक पेड़ को उसके फलों से पहचान सकते हैं, है ना? अगर आप पेड़ के ऊपर आम लगा हुआ देखते हैं तो आप ये कहते हैं ये अमरूद का पेड़ है। हाँ, यही बोलते हैं? नहीं, क्या करते हैं? ये आम का पेड़ है। और बड़े कॉन्फिडेंट होते हैं हम, बहुत कॉन्फिडेंस हमारे भीतर होता है, ये आम का ही पेड़ है। वो बात अलग है, किसी पे अगर फल ही नहीं हो तो उसे पहचानना बड़ा मुश्किल हो जाता है ना? कई बार जो लोग जानते हैं वो पहचान लेते हैं, जिनके पास परख होती है, ध्यान से सुनिएगा मेरे वर्ड, जिनके पास परख होती है ना, वो पहचान लेते हैं ये कौन सा पेड़ है। पर हम जैसे जो यंग जनरेशन है वो शायद इतना नहीं जानती, वो फलों को देख के पहचानते हो, ये आम का है, ये लीची का है ना, ये अमरूद का है, वो फलों को देख के पहचानते हैं। आज जो मैं वचन आपके लिए लेके आया हूं उसका शीर्षक यही है, पेड़ अपने फलों से पहचाना जाता है। मेरे लिए निकालिएगा लूका रचित सुसमाचार, उसका 6 अध्याय और उसके 44 और 45 पद को मेरे लिए पढ़ेगा। 6 उसका 44 और 45 पद। हर एक पेड़ अपने फल से पहचाना जाता है, क्योंकि लोग झाड़ियों से अंजीर नहीं तोड़ते और ना झड़बेरी से अंगूर। भला मनुष्य अपने मन के भले भंडार से भली बातें निकालता है, और बुरा मनुष्य अपने मन के बुरे भंडार से बुरी बातें निकालता है, क्योंकि जो मन में भरा है वही उसके मुंह पर आता है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन एक बात कह रहा है हर एक पेड़ अपने फल से पहचाना जाता है, क्योंकि लोग झाड़ियों से अंजीर नहीं तोड़ते और ना झड़बेरी से अंगूर। ये वही बात है जो मैं आपसे कह रहा था, है ना? आप झाड़ियों के बीच में जाके ये नहीं कह सकते झाड़ियों से, झाड़ी लाओ मुझे अंजीर दो, है ना, झड़बेरी लाओ मुझे अंगूर दो, ऐसा हो ही नहीं सकता। कारण क्या है? कारण एक ही है, क्योंकि उनपे ये फल नहीं लग सकते। परमेश्वर एक गंभीर बात आज मुझे और आपको सिखा रहे हैं, और आगे प्रभु ने एक और बात इसमें एड ऑन करी। वचन में लिखा है भला मनुष्य अपने मन के भले भंडार से भली बातें निकालता है, और बुरा मनुष्य अपने मन के बुरे भंडार से बुरी बातें। मैं जब इसे पढ़ रहा था मैंने सोचा, प्रभु क्या मेरे अंदर दो मन है? नहीं, बाइबल साफ कहती है भला अगर मनुष्य है तो उसके भीतर भली बातें पाई जाएंगी, अर्थात भला फल होगा, है ना? और अगर बुरा मनुष्य है तो उसके भीतर बुरी बातें पाई जाएंगी, उसके अंदर बुरा मन होगा। और यही लिखा है बाइबल के अंदर, क्योंकि जो मन में भरा होता है वही बाहर आता है, है ना? अब आपने मन के अंदर भर के रखी है ढेरों गालियां, है ना, ढेरों गालियां मन के अंदर भरी हुई है, अब बाहर क्या आएगा मुझे बताइए? हाँ, जितने लोग न्यूज देखते हैं, अखबार पढ़ते हैं, पर डे
उनके जीवन से आपने देखा क्या बाहर आता है, है ना? आज ये चर्चाएं हैं, आज ऐसा हो गया, आज ऐसा हो गया, पर जो परमेश्वर के वचन से भरा होता है उसके मन से परमेश्वर का वचन बाहर आता है। इसलिए प्रभु कह रहे थे जो कुछ मन में भरा है वही बाहर आता है। आज अद्भुत बात आपसे करने पर हूं। मैंने वचन पढ़वाया गिनती उसके 13 अध्याय और उसके जब आप 1 से और 28 पद के बीच पढ़ेंगे, पता है बहुत वंडरफुल बात लिखी है। बात यह है परमेश्वर मूसा से कहते हैं, यहोवा परमेश्वर मूसा से कहते हैं, मूसा एक काम कर, तुम लोगों को इन लोगों को विश्वास नहीं हो रहा, मैं जो तुमसे कह रहा हूं ना, जो देश में तुम्हें देने पर हूं उसमें दूध और मधु की धाराएं बहती हैं, पर मुझे लगता है तुम्हें विश्वास नहीं है, है ना? कहते हैं चलो ठीक है मूसा, मैं अलाउ करता हूं, जाओ भेदियों को भेजो, भेदियों को भेजो और वो भेद लेके आए। और भेद क्या लेके आए बाइबल में जब आप पढ़ेंगे, सुनिएगा, मैं भूमिका बांध रहा हूं। बाइबल में लिखा है जब 12 लोग वहां पे जाते हैं तो वो वहां पे क्या करते हैं, वो देखते हैं कि सच में ये बहुत अच्छी जगह है, कनान बहुत अच्छा है। अब कनान अच्छा था तो उसका फल भी बहुत अच्छा था। क्या लेके आए थे बताइए? हाँ, अंगूर का गुच्छा। और इतना अच्छा था कि दो जने उसे लेके आए, दो जने उस गुच्छे को लेके आए और उनकी आंखें खुली रह गई कि सच में जैसा परमेश्वर ने कहा था ये देश वैसा ही है। अब अगर कनान अच्छा नहीं होता तो वो क्या लेके आते वहां से? जब कनान ही अच्छा नहीं, नगर ही अच्छा नहीं, तो वहां का फल भी अच्छा नहीं होगा। समझ रहे ना, एक अद्भुत बात बता रहा हूं आपको। परमेश्वर क्यों ये बात बता रहे थे कि जाओ और वहां से कुछ उत्तम लेके आना, जो वहां के उपज हो वो लेके आना, जानना क्या हाल है, कैसे लोग हैं, क्या है सब कुछ। और ये लोग जब वापस आते हैं अंगूर का गुच्छा लेके आते हैं। और पता है जितने लोग वहां पे थे, इज़राइल के जितने लोग थे, केवल इन 12 ने उस कनान को देखा होगा, लेकिन बाकी लोगों ने कनान को नहीं देखा था। पर उन्होंने विश्वास किस बात से किया? हाँ, फल को देख के, गुच्छे को देख के, वाओ कनान की उपज है, जब उपज इतनी अच्छी है तो कनान कितना खूबसूरत होगा। हालेलुया, हालेलुया। जब फल इतना खूबसूरत है तो भूमि कितनी अच्छी होगी, आप समझ रहे हैं? पर हमारे साथ क्या है ना, हमारे फलों को देखकर लोग क्या कहते हैं। मुझे एक बात बहुत अच्छी लगी, बहुत बहुत ही खूबसूरत बात थी, जब आप गिनती उसके 13 अध्याय और 21 से 24 पद के बीच पढ़ेंगे तो वहां एक खूबसूरत बात लिखी है। जब ये अंगूर का गुच्छा लेके आए, आपको मालूम है ऐसा नहीं था कि आज निकले और शाम को पहुंच गए, आज निकले दो दिन के बाद पहुंच गए, नहीं। बाइबल क्या कहती है बहन, पढ़िएगा इसे, बहन इसे 25 पद से पढ़ दीजिएगा मेरे लिए ना। 40 दिन के बाद वे उस देश का भेद लेकर लौट आए। कितने दिन के बाद? 40। अरे जोर से बोलिए ना, 40 दिन के बाद वो भेद लेकर लौट आए। आपको मालूम है जब वो लौट के आए और उस स्थान के फल को लोगों ने देखा तो वो इतना खूबसूरत था, मैं हैरान हो गया, मैंने खुदा कौन सा फ्रिज था। मैंने कहा अगर मैं अपने फ्रिज में रखता हूं तो 4 दिन 5 दिन 10 दिन 12 दिन इतने दिन अच्छे से रह सकता है, है ना? घर के फल कितनी जल्दी सड़ते हैं मुझे बताइए, 2 या 3 दिन 5 दिन बहुत अच्छा होगा फल तो 10 दिन, है ना? पर 40 दिन के बाद ये लोग लौटे हैं और लोग देखकर कह रहे हैं वाओ क्या अद्भुत उपज है, कितना अच्छा है फल, है ना? इतने दिन तक भी वो फल एज इट इज दिखाई दे रहा था। हालेलुया। अब मैं आपको बताता हूं क्या परमेश्वर ने मुझे सिखाया और आपको सिखाना चाहता है। क्या आपके जीवन में कनान अच्छा था, फल अच्छा था, लोग फल को देखकर कनान की बढ़ाई करने पाए कि सच में कनान बहुत अच्छा होगा। मैं और आप जब हम प्रभु में हैं तो क्या हमारा फल ऐसा है, है ना? हमारे फल मालूम है कितनी जल्दी सड़ते हैं। अभी शाम को आराधना करिए दोनों हाथ उठा के, सीढ़ियों से उतरते उतरते
उतरते उतरते हमारा फल सड़ जाएगा। समझ रहे ना, यहां से नीचे तक जाएंगे और फल सड़ जाएगा। क्या यहां पे तो बड़ी अच्छी इबादत हो रही थी, बहुत खूबसूरती से आराधना करी, ताली भी बजा रहे थे भाई बहने, ताली बड़ी जोर जोर से बज रही थी, है ना। उसके बाद जीने से उतरते गालियां बजती, होता है ना। कोई कोई बात हो जाए तो हमारा स्वभाव प्रकट में आ जाता है कि हमारे अंदर फल क्या है। और पता है, मनुष्य आपके फलों को देखकर, आपके जीवन के स्वभाव को देखकर, आपके जीवन को देखकर ये बता पाता है कि इसका जीवन कैसा है। हालेलुया। बाइबल में लिखा है कुलूसियों की पत्री, सॉरी पहला यहुन्ना, फर्स्ट जॉन और दो अध्याय उसके छह पद को पढ़िएगा। जॉन, फर्स्ट जॉन 2:6 पढ़िए बहन, क्या लिखा है सुनिएगा बहुत ध्यान से। जो कोई ये कहता है कि हाँ, मैं उसमें बना रहता हूँ, सुनिएगा, जो कोई ये कहता है कि मैं उसमें बना रहता हूँ, किसमें, परमेश्वर में, जी, उसे चाहिए कि आप भी वैसा ही चले जैसा वह चलता था। उसे चाहिए कि वे आप भी वैसा ही चले जैसा खुदा चलता था, प्रभु चलता था, है ना। हम बड़े जोर जोर से चिल्लाते हैं, बहुत जोर जोर से कहते हैं वी आर क्रिश्चियन, हम मसीह लोग हैं, हम मसीह लोग हैं। पर पता है आपके शब्दों की चिल्लाट ये बयान करती है, पर आपका स्वभाव ये बयान नहीं करता, है ना। स्वभाव तो कह रहा है पता नहीं तुम हो कौन, तुम हो कैसे लोग, तुम कहते हो तुम मसीह हो, पर कहां दिखता है, कहां दिखता है आत्मा का फल, कहां दिखता है तुम्हारे भीतर वो स्वभाव जो परमेश्वर का था। अगर आप उसके हैं तो आपके अंदर वो दिखाई देना चाहिए। मैं एक जगह था, मैं प्रचार कर रहा था, मैंने कहा अगर मैंने ये शर्ट पहन रखी है तो ये शर्ट आपको दिखाई दे रही है, दे रही है ना, दे रही है, ये शर्ट दिखाई दे रही ना, पीले रंग की है ना, अरे हाँ पीले रंग की है, अरे हाँ फिर कौन सी है, हाँ पिंक कलर है ना, पिंक कलर है, हल्का सा पिंक है, पिंक ही है। तो सुनिए ना मैं क्या कह रहा हूं, आप समझ नहीं पा रहे। अगर मैंने ये शर्ट पहनी है तो आपको वही कलर दिख रहा है जो मैं पहना हुआ हूं, है ना। पर मसीह जीवन जो हम कहते हैं ना, हम प्रभु में हैं, परमेश्वर के साथ बने हुए हैं, पर पता है लोगों को वो दिखता ही नहीं। आप कहते हैं हमने मसीह को पहन लिया, मैंने मसीह को पहन लिया, मैंने ओढ़ लिया, बाहर वाला व्यक्ति कहता है दिखाओ कहां है, कैसे दिखाओगे, है ना। आंखों से तो दिखता नहीं यीशु आपके भीतर है, कहां से दिखता है, आपके स्वभाव से। हालेलुया। आपके चाल चलन से, आपकी बातों से, आपके उठने बैठने से, इन सारी बातों से प्रकट होता है कि आप यीशु को पहने हुए हैं, यीशु आपके भीतर है, यीशु आपके अंदर है। गीत है ना, यीशु को मैं पहने हूं, मुझ में वो जिंदा है, पर कहां पे जिंदा है, चर्च में कलीसिया में। बस ये गाना कलीसिया के भीतर बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, पर बाहर जाके हमारे गाने बदल जाते हैं, है ना, पता नहीं क्या क्या पहन के रखते हैं, होता है ना। आज आपको एक गंभीर बात बताता हूं, प्रभु कह रहा है पेड़ अपने फलों से पहचाना जाता है। अगर आप मसीह के हैं तो क्यों आपके कारण मसीह के नाम की निंदा हो रही है, क्यों आपके कारण मसीह के नाम की निंदा की जाती है, क्यों लोगों के बीच में आपको शब्दों का इस्तेमाल करना पड़ता है, क्यों आपके कार्यों में यीशु प्रकट नहीं होता। आपको मालूम है डॉक्टर डीजीएस दिनकरन अंकल के विषय में लिखा है, उन्हें अपोस्टल ऑफ लव बोला जाता है, प्रेम का प्रेरित। उनके जीवन को देख के ही लोग ब्लेस हो जाते थे, उनके जीवन को देखते ही ओ लोगों के भीतर एक आशा जागृत हो जाती थी, तरस उनके जीवन से बहता था, फल जो प्रेम है उनके भीतर से बहता था, है ना। हमारे साथ क्या है, हमारा फल सड़ जाता है। प्रभु कह रहे कनान का जो फल आया वो बना रहा,
पर हमारा फल नहीं बना रहता। प्रभु कह रहे मसीहो, अगर तुम ये कहते हो कि तुम मसीह के हो तो तुम्हारे भीतर वो स्वभाव होना चाहिए, वो स्वभाव दिखाई देना चाहिए, पर दिखाई नहीं दे रहा है, किसी और का स्वभाव दिखाई दे रहा है। कितनों ने बाइबल के अंदर ये पढ़ा है, राहब के विषय में पढ़ा है, राहब के विषय में क्या लिखा है बाइबल के अंदर, राहब बचाई गई ना, छोड़ दिया गया उसका घराना। क्यों छोड़ा गया? क्योंकि एक पहचान थी, उसे लाल डोरी बांध के रखनी थी घर के बाहर, और जब वो जो भेद लेके गए थे, जब वो उसे देखते तो वो पहचान जाते कि ये राहब का घर है, ये राहब का घर है, इसे छोड़ना है ना। टांग रखी थी उसने डोरी, और जब वो लोग वहां आए, आक्रमण किया, सबको मारा, इस डोरी को देखकर राहब को छोड़ दिया, क्योंकि उस डोरी से पहचान हुई। आपको मालूम है आपकी पहचान किससे है? प्रभु यीशु मसीह से, है ना। आपको अपने जीवन में उसी को टांगना है, और वही आपके जीवन से दिखाई देना चाहिए। अगर वो नहीं दिखाई देगा तो सोचिएगा क्या होगा, प्रभु किसे देखेगा आपके जीवन में, मुझे बताइए, है ना। अगर आपको देखेगा ना तो आपके पापों के कारण वो आपका नाश कर देगा, पर पता है होता क्या है, वो हमारे भीतर यीशु को देखता है। हालेलुया, वो देखता है यीशु को, उसने कीमत अदा करी क्रूस पे, उसको देखता है, इस कारण से वो हमें छोड़ देता है, इस कारण से हमें छोड़ देता है। कितनों ने पढ़ा है, जब याकूब और एसाव अपने पिता से आशीर्वाद लेने जाते हैं तो याकूब ने क्या चढ़ाया था, हाँ, रुएदार बनाने के लिए, तो पिता ने क्या टटोला, हाँ, उसने हाथ टटोल के देखा, शब्द याकूब का है पर, है ना, हाथ और उसका शरीर रुएदार है, एसाव का सा है। आप समझ रहे कितनी खूबसूरत पिक्चर है, आपका शब्द तो परमेश्वर पहचानता है, अरे इसका शब्द तो बहुत खराब है, इसका जीवन तो बहुत खराब है, पर पता है किसे देखकर हमें आशीष देता है, यीशु को। हालेलुया, यीशु को देखता है हमारी लाइफ के भीतर, कहता है ये यीशु के कारण ब्लेस्ड है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं प्रियो, कि परमेश्वर के वचन में आया है कि जब तुम ये कहते हो कि तुम मसीह के हो, तुम परमेश्वर के हो, तो तुम्हारे जीवन में वो बातें दिखनी चाहिए, उसी के अनुसार आपको जीवन व्यतीत करना है, जैसे वो चला वैसे तुम भी चलो, बाइबल कहती है ना। कैसे चला था यीशु मसीह संसार में? एक प्रार्थना का जीवन, एक प्रेयर लाइफ उसकी थी, अद्भुत है ना। चेले उसके चिन्ह चमत्कार को देखकर नहीं गए कि यीशु मसीह हमें भी सिखा हम अंधों की आंखें खोल दें, हमें भी सिखा हम कोड़ियों को शुद्ध कर दें। नहीं, वो एक बात जान गए, बोले यीशु जो भी कुछ करता है उसके पीछे का कारण है उसका प्रार्थना का जीवन, उसकी प्रेयर लाइफ। उन्होंने इसलिए यीशु के पास आके कहा, प्रभु हमें प्रार्थना करना सिखा। हालेलुया, जैसे वो चला वैसे तुम्हें भी चलना है। मिलनी एक जगह से निकालिएगा बहन, कुलूसियों का 2 अध्याय उसके 6 और 7 पद को पढ़िएगा, क्या लिखा है बाइबल के अंदर, कुलूसियों 2:6-7। अतः जैसे तुमने मसीह यीशु को प्रभु करके ग्रहण कर लिया है, हाँ? वैसे ही उसी में चलते रहो। क्या कह रहा है परमेश्वर का वचन? जब तुमने मसीह को ग्रहण कर लिया है तो उसी में चलते चलो आगे, और उसी में जड़ पकड़ते जी और बढ़ते जाओ, हाँ? और जैसे तुम सिखाए गए जी वैसे ही विश्वास में दृढ़ होते जाओ, और अधिका अधिक धन्यवाद करते रहो, अधिका अधिक धन्यवाद करते रहो, दृढ़ होते जाओ। जब तुमने उसे पहन लिया तो अब अपने अंदर उसका स्वभाव लाने की कोशिश करो, उसके जैसे बनो ना। मालूम है कैसे होगा? प्रार्थना के द्वारा। जब आप प्रार्थना में परमेश्वर के साथ संगति करेंगे तो परमेश्वर अपनी आत्मा के द्वारा तुम्हें बदलता चला जाएगा। हालेलुया, तुम उसके स्वभाव में नए बनते चले जाओगे, बाइबल ऐसा बताती है, आप नए हो जाएंगे परमेश्वर के स्वभाव में।
आपके अंदर उसके फल दिखाई देने चाहिए। फल का मतलब है स्वभाव, उसकी चीजें, नम्रता, संयम, सादगी, सारी चीजें, जितने फल हैं वो दिखाई देने चाहिए। अगर आपकी लाइफ में फल नहीं है ना, भले आप कितने भी वरदान पाए हुए जन हो, कितने भी आप हीलिंग्स करते हो, डिलीवरेंस करते हो, कुछ भी करते हो, आपको मालूम है आप एक समय के बाद नुकसान उठाओगे, क्योंकि वरदान को फल नियंत्रित करते हैं, है ना। मैं देख रहा था जब ये माइक है ना, अब इसमें क्या है, इसमें स्विच नहीं है, बाकी माइक्स में स्विच है पर इसमें नहीं है। अब मैं इसे नियंत्रित नहीं कर सकता, या तो मुझे इसे अलग ही रखना है ना, मैं इसे कंट्रोल यहां से नहीं कर सकता, समझ रहे मेरी बात, इसे कंट्रोल नहीं कर सकता यहां से। अब जो भी बोलूंगा इसमें सुनाई देगा, अगर मैं कुछ चाहूं कि मैं छोड़ दूं, नहीं बोलूं, तो मैं बटन ऑफ कर सकता था, पर जब इसमें है ही नहीं तो मेरी सारी बातें जाएंगी, समझ रहे ना। ऐसे ही आत्मा के वरदानों के साथ है, वरदानों पर फल नियंत्रण लगाते हैं, कंट्रोल करते हैं। अगर आपके जीवन में वो नहीं पाए जाएंगे, आप कितने अभिषिक्त हो, कितने भी काम आप कर रहे हो, बड़े बड़े चिन्ह चमत्कार सब कुछ कर रहे हो, अगर फल नहीं है तो आप नुकसान उठा लेंगे। आपको एक मजेदार किस्सा सुनाता, सुनिएगा, मैंने प्रभु के दास की किताब में पढ़ा। एक प्रभु के खादिम हुए, उन्होंने किसी बड़े प्रचारक को अपने यहां बुलाया, है ना, ध्यान से सुनिएगा, आपको मजा आएगा। बड़े प्रचारक को उन्होंने अपने यहां बुलाया, क्योंकि वो हीलिंग करता था, हीलिंग डिलीवरेंस उसकी सेवकाई में होते थे। अब वो प्रचारक जब वो वहां आया, तो एक नियम था कि जब प्रार्थना सभा समाप्त होती थी तो वो प्रचारक जी सबके लिए प्रार्थना करते थे, बारी बारी से सबके लिए प्रार्थना करते थे। एक दिन सभा चल रही थी और एक व्यक्ति जो ड्राइवर था, गाड़ी चलाता था, वो दौड़ता हुआ जाता है, उसके पेट में कुछ समस्या थी, वो जाता है और उसी लाइन में खड़ा हो जाता है कि अब पास्टर जी मेरे लिए दुआ करेंगे, पास्टर जी मेरे लिए दुआ करेंगे। अब वो जाता है, खड़ा हो जाता है, उसका नंबर आता है, पास्टर जी कहते हैं, भाई क्या समस्या है, क्या समस्या हो गई? वो कहते हैं, पास्टर जी मेरे पेट में ना बड़ा दर्द है, 18 सालों से लगातार दर्द बना रहता है, लगातार दर्द बना रहता है, छूट नहीं पा रहा। पास्टर जी ने सुना, बोले अच्छा, पास्टर जी ने उसे बुलाया, सामने आओ। बेचारा सोचा पास्टर जी सर पे हाथ रखेंगे, दुआ करेंगे, पास्टर जी ने बुलाया और ऐसे करके लात मारी उनके पेट पे, समझ रहे हैं, पेट पे लात पड़ी, वो बेचारा बैठ गया वहीं पे, उससे कंट्रोल नहीं हुआ, थोड़ी देर में भागा बुरी तरीके से। पास्टर जी बड़े चतुर थे, पास्टर जी बोले देखा देखा कितनी तकलीफ में आया, तब देखो कैसे भाग रहा है। पास्टर जी बोले कोई भाई जाए उससे बुला के लेके आए, वो अपनी गवाही तो बांट दे। पर पता है व्यक्ति बड़ा चतुर था, बोले एक बार सह लिया, दोबारा नहीं जाऊंगा, भाग गया। पता है हुआ क्या, आप समझ रहे हैं, ये कोई तरीका थोड़ी ना है, उसके बेचारे के दर्द था, तुमने लात मार दी, बूट पहन के दुगना हो गया। पता क्यों? क्योंकि फल नहीं। अगर फल होता तो वो उसे प्यार से बुलाते अपने पास, कमांड ही करना था तो ढंग से करते, समझ रहे हैं। ये एक स्टोरी मैंने पढ़ी बुक में और मैंने आपसे बांटी है। पता है आपकी लाइफ में ऐसे ही हो जाएगा, अगर फल नहीं दिखाई देंगे, लोग आपके जीवन को देखकर ब्लेस नहीं होंगे, लोग आपके जीवन को देखकर आशीषित नहीं होंगे। प्रभु कह रहा है आपके अंदर फल दिखने चाहिए, होना चाहिए आपके अंदर वो स्वभाव। कितने लोगों ने ये पढ़ा है, नूह ने दाख की बारी लगाई और उसके बाद क्या हुआ, हाँ क्या हुआ, नूह ने दाख की बारी लगाई और उसके बाद दाख मधु पीकर मतवाला हो गया। मालूम है कैसे हो गया? दाख मधु बनाने के लिए क्या करना पड़ता है, फलों को सड़ाना पड़ता है, सड़ाना पड़ता है, और वो मतवाला हो गया, उन फलों को सड़ाया होगा, उसी से बनी होगी और उसी से पी लिया। अब समझ रहे हैं, आपकी लाइफ के साथ ऐसे ही होगा अगर आपके फल सड़ गए तो, है ना। वो 40 दिन के बाद लौटे, याद रखिएगा,
कनान का भेद लेके आए थे, फलों को देखकर लोगों ने कहा कनान उत्तम जगह होगी, कनान बहुत अच्छी जगह होगी, वो विश्वास कर गए, भले ही उन्होंने नकारात्मक बातें भी बोली जिसके कारण से इजरायली वहां नहीं जा पाए। पर आपको कहना क्या चाहता हूं, आपके जीवन में ये चीजें दिखनी चाहिए, आपका प्रेम, आपका स्वभाव दिखना चाहिए। जब आप लोगों से बात करें तो वो आपके शब्दों को सुनकर जान लें कि यार सच में तुम लोग बहुत अच्छे हो, है ना। मेरे पास ढेरों ऐसी गवाहियां हैं, भाई भी गया था लास्ट टाइम, हमारी परमिशन होनी थी तो हम एक जगह पे थे, और जब हम उनसे बात करने लगे उस भाई ने ये बात बोली हमसे, बोले यार आप क्रिश्चियन लोग बहुत अच्छे होते हो। पता है मेरा दिल खुश हो गया। मैंने भाई से बोला, भाई ना थोड़ा सा गुस्से में आ गया था, थोड़ा सा अपनी भी उसने दिखा दी कि कोई बात नहीं मैं भी कुछ हूँ। पता है परमिशन अटक गई, प्रभु ने मुझको बोला इसको बोल जाके माफी मांगे। मैंने भाई को बोला, मैंने कहा भाई जाओ माफी मांगो। कह रहा भाई अब तो हो रही है ना, मैंने बात कर ली है सर से, हो जाएगी। मैंने कहा नहीं, प्रभु कह रहा पहले माफी मांगो। भाई उठ के गया, माफी मांगी उससे। आपको मालूम है इस बात ने सबसे ज्यादा उस व्यक्ति को तोड़ दिया, हालेलुया, कि मैंने यार इनके साथ ऐसा किया, फिर भी आके मुझसे माफी मांग रहा है, इनका तो काम भी बन रहा है, काम तो इनका मैं कर ही रहा हूं। पता है इस बात ने उसे तोड़ा। आपके अंदर यह स्वभाव होना चाहिए, आपके फल दिखने चाहिए। अगर फल दिखाई नहीं देंगे तो आपका मुंह से कितना भी कुछ कहते रहो, मैं परमेश्वर का हूं, मैं यीशु का हूं, यीशु को मैंने पहन लिया है, मैंने उसे ओढ़ लिया है, उसी में मैं जिंदा हूं, है ना, तो बस आपके लिए थोड़ी देर का आनंद होगा। जब आप सभाओं में आओगे, जब आप कलीसिया में आओगे ना, तभी थोड़ी देर का आनंद होगा। पता है जिसने यीशु को पहना है, जिसने यीशु को ओढ़ा है, जो नम्र है, जो दीन है, पता है वो हमेशा आनंदित रहता है तकलीफों में भी। आपने देखा है पौलुस जंजीरों में था और पौलुस क्या कह रहा है, मैं तुमसे कहता हूं आनंदित रहो, हालेलुया। फिर उठाता है हाथों को जंजीर दिखा के, कहता है मैं तुमसे कहता हूं आनंदित रहो। बंधनों में था फिर भी आनंदित था। कहां से आया आनंद? क्योंकि वो वास्तव में यीशु को पहने था, उसने यीशु को ओढ़ लिया था। प्रभु का वचन कह रहा है तुम्हें वैसे ही चलना है जैसे वो चला। प्रार्थना में बढ़ना आरंभ करिए ना, नम्रता में बढ़ना आरंभ करिए ना, ये उसके स्वभाव था, है ना। बाइबल कहती है जब एक कोड़ी उसके पास आया ना, प्रभु तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। कोड़ को देखकर, क्योंकि कोड़ी है उसके लिए नियम थे, अगर मैं छूंगा तो मैं अशुद्ध हो जाऊंगा। पता है उसने तरस से भरकर उससे हाथ से छुआ और उसके लिए दुआ करी, उसे छुआ और कहा मैं चाहता हूं तू शुद्ध हो जा। समझ रहे, ये है उसका प्रेम। अगर आप कहते हैं आप उसके तरह हैं तो वो दिखना चाहिए, है ना। ये होगा ऐसे नहीं होगा, है ना। हम भी आज तक स्ट्रगल करते हैं, मैं भी आज तक स्ट्रगल कर रहा हूं, बिल्कुल सत्य आपको बता रहा हूं। आज भी मुझे गुस्सा आ जाता है कभी कभी, आज भी मेरे जीवन में गलतियां होती हैं, पर पता है मैं स्ट्रगल कर रहा हूं। मैं प्रभु के पास जाकर रोज कहता हूं खुदा मेरे भीतर से इन बातों को निकाल और मुझे अपना स्वभाव दे, मुझे नम्र बना, मुझे प्रेम करना सिखा। होता है, बहुत बार होता है, और आपको मालूम आपकी यही सच्चाई प्रभु को पसंद आती है। प्रभु जानता है ये मनुष्य है, ये बहुत बार गिरेगा, ये बहुत बार टूटेगा, पर ये टूट के मेरे पास आता है, ये मेरे लिए सबसे उत्तम बात है। हालेलुया, हालेलुया। तो आपको क्या करना है, आरंभ करिए ना, अपनी लाइफ को प्रभु के हाथों में दीजिए। प्रभु मेरे जीवन से वो लाल डोरी दिखाई दे, अर्थात तू दिखाई दे, ताकि परमेश्वर जब न्याय का दिन आए तो मेरा जीवन छोड़ दिया जाए यीशु तुझे देखकर। हालेलुया। ऐसे कितना भी कहते रहिए किसी को यीशु नजर नहीं आएगा, है ना, फिर आप अपने कमरे में आनंदित रहोगे, है ना, अपने कमरे में आनंदित रहोगे। आपको मालूम है ना यीशु आपके भीतर है, पर किसी को दिखाई नहीं दे रहा। आप तो महसूस कर पाओगे उसकी प्रेजेंस को अगर आप प्रार्थना करते हो, पर पता है आपका स्वभाव ही बताएगा कि यीशु आपके अंदर है या नहीं है। हालेलुया।
वरना तो प्रार्थना कक्ष में बस थोड़ी देर जाओगे, आनंद करोगे, स्तुति आराधना ऊपर जाती है ना, आशीष लेकर नीचे आती है। पर कभी ये नहीं कहते परमेश्वर से, लॉर्ड मेरे जीवन में तेरा स्वभाव उतरा है। आशीषों के लिए बहुत दुआ करते हैं हम, पता है ना, प्रभु बंगला हो, कार हो, सब कुछ मेरे पास हो, सब कुछ हो, क्या प्रभु से कभी ये कहते हैं, लॉर्ड मुझे तेरा स्वभाव चाहिए, जैसे तू चला मैं चलना चाहता हूं, जैसे तू पृथ्वी पर चला मैं भी चलना चाहता हूं, जैसे तूने जीवन जिया मैं भी जीना चाहता हूं, है ना। इसीलिए कहते हैं मसीह की राह कांटों भरी है। क्यों है कांटों भरी मुझे बताओ, मसीह के साथ आप हैं तो आनंदित होना चाहिए, आपके जीवन में सारी खुशहाली होनी चाहिए। मालूम है क्यों? क्योंकि यीशु के पीछे चलने पे आपको बहुत चीजें सेक्रीफाइस करनी पड़ती हैं, अपनी लाइफ की बहुत चीजें छोड़नी पड़ती हैं, वो स्वभाव छोड़ना पड़ता है जो पहले था, है ना। बदलाव प्रभु आपके अंदर लेके आता है, और जब वो आपको बना रहा होता है ना, मेरे पास एक बुक है डेली डिवोशन की, मालूम उस बुक के अंदर एक बहुत खूबसूरत पहले पेज पे जो कवर है उसका, उस पे एक आकृति है और एक छेनी लगाते हुए पत्थरों के बीच से एक चित्र उभर के आ रहा है और उस पे छेनी पड़ रही है। आपको मालूम है क्या कर रहे हैं प्रभु, क्या कह रहे हैं, उसमें वर्स लिखी है, जिसमें जिसने तुम में अच्छा काम आरंभ किया वही अंत के दिन तक पूरा करेगा। हालेलुया, पवित्र आत्मा ने आपको बनाना आरंभ किया है, वो ही बदलेगा। उसके साथ संगति करना आरंभ करिए, उसके साथ तो बैठना आरंभ करिए। जब आप गलती करेंगे ना, वही आपको बताएगा तू गलत है, तूने गलती करी है, तूने अभी थोड़ी देर पहले क्रोध किया, अभी थोड़ी देर पहले ये किया, माफी मांग, तब आप बनना आरंभ हो जाएंगे। हालेलुया, पता है होगा कैसे, पहचान कैसे पाएंगे, आप देखेंगे कुछ सालों के भीतर जो चीजें आप कर रहे थे ना कुछ साल पहले, अब वो 50% कम हो गई होंगी, फिर थोड़े दिनों बाद 80% कम हो जाएगी। हालेलुया, ऐसे कर करके आप अपने जीवन में बदलाव देखेंगे, आप नम्र हो जाएंगे, फिर आप गाली सुन के गाली नहीं बकेंगे, है ना। जैसे ही कुछ गलत हो रहा होगा ना और आप बाहर आ रहा होगा, सब बस खुदा रोक देगा, नहीं नहीं कहना, शांत हो जा, है ना। फिर आप जाएंगे कमरे में जाके खुदा के सामने कहेंगे, खुदा तूने मुझे रोक दिया, अब तू ही बता प्रभु, है ना, प्रभु मैं तो ये कर देता, मैं तो वो कर देता, प्रभु कहते हैं मैं भी तो कर रहा हूं ना, मैं तुझे कितना बर्दाश्त करता हूं, मैं तुझे कितना सहता हूं, है ना। तू प्रतिदिन आता है मुझसे झूठ बोलता है, प्रतिदिन आता है मेरा निरादर करता है, प्रतिदिन तू पाप करता है और फिर भी आता, मैं तुझे एक्सेप्ट करता हूं ना, मैं करता हूं ना, तू क्यों नहीं कर पाता। हालेलुया, पेड़ अपने फलों से पहचाना जाता है। हालेलुया, इससे पहले मैं समाप्त करूं, मैं चाहता हूं एक दूसरे की तरफ देख के बोलिएगा, मैं वो पेड़ बनना चाहता हूं जिस पर परमेश्वर के फल लगे। हालेलुया, बोलिए बोलिए बोलिए, जल्दी से बोलिए, मैं वो पेड़ बनना चाहता हूं जिसमें परमेश्वर के फल नजर आए, जिसमें परमेश्वर के फल लगे, मेरा जीवन बदल जाए, मैं वैसे चलूं जैसे यीशु चलता था। हालेलुया, 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 थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। आइए हम प्रार्थना करें। खुदा बाप, मैं दिल से धन्यवाद करता हूं, सच में पिता आपकी ये इच्छा है कि आपकी संतानें आपके स्वभाव में आ जाएं, आपके प्रेम में आ जाएं, प्रभु आपका सजीवन उनका बन जाए। आज ये संतानें जो तुझे सुन रही हैं, खुदा चाहे वो ऑनलाइन है चाहे वो ऑफलाइन है, मैं इन सब के लिए दुआ करता हूं, मैं दुआ करता हूं खुदा बाप कि इनके जीवन में आप परिवर्तन लेके आए, इन्हें नम्रता में लेके आए, प्रभु आपके फल इनके जीवन में दिखाई दे, ये मुंह से बोलने वाले मसीह नहीं वरन प्रभु कामों के मसीह भी बन जाए, इनके काम भी बताएं कि आपको इन्होंने पहन लिया है, आपको इन्होंने ओढ़ लिया है। खुदा मैं चाहता हूं
पाखरू आप ही हैं जो हमें अंश अंश करके प्रभु की समानता में बदल सकते हैं। खुदा जिन लोगों ने ये वचन सुना और वो अब आपके साथ संगति करेंगे, मेरी प्रार्थना है खुदा इनको आप बदलिएगा। मेरी दुआ है ये बदलते चले जाएं भीतर से, ये बदलते चले जाएं अंदर से। खुदावन आपका स्वभाव इनके भीतर बढ़ता चला जाए, आपकी चीजें इनके भीतर बढ़ती चली जाएं। परमेश्वर पिता मैं प्रार्थना करता हूं, मैं दुआ करता हूं परमेश्वर प्रभु, यदि मेरा भाई मेरी बहन किसी भी तकलीफ में है और इस समय इस प्रार्थना को सुन रहा है या सुन रही है, खुदा मैं विनती करता उसके संकट से आप उससे उभार लीजिए। थैंक यू जीसस। इस समय प्रभु मैं विनती करता उसे उभार लीजिए। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। मैं प्रार्थना कर रहा हूं परमेश्वर हर एक भाई हर एक बहन के लिए, यदि कोई बीमारी की अवस्था में है, यदि कोई किसी भी प्रकार के दुष्टात्मा से ग्रसित है, इसी समय यीशु आपके नाम से मैं आज्ञा देता हूं उनके जीवन से प्रभु हर एक बीमारी उखड़ जाए, दुष्टात्मा निकल जाए, छोड़ के जाए, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, यीशु के सामर्थ्य नाम में इसी समय हो जाए प्रभु, इसी समय हो जाए खुदावंत। हाँ प्रभु मैं देख रहा हूं, मैं देख रहा हूं आत्मा में इस समय एक बहन बहुत व्याकुल है, बहुत तकलीफ में है, खुदा मुझे ऑनलाइन देख रही है, मैं विनती करता प्रभु उस बहन की लाइफ को टच करें, उस बहन की लाइफ को बदले खुदा, उसके प्रभु हर एक तकलीफ से उसे आजाद करें पिता। पिता मैं विनती करता इसी समय से आप ऐसा कर रहे हैं। थैंक यू जीसस। प्रभु हम आपको आदर देते हैं, हम आपको महिमा देते हैं परमेश्वर। इस सेवकाई के लिए विनती करता हूं, इस सेवकाई को आपके हाथों में सौंपता हूं प्रभु। इस सेवकाई के द्वारा बहुत सी आत्माएं जीती जाएं, बहुत सारे लोग जीते जाएं खुदावंत। हर एक जरूरत को खुदा आप स्वर्गीय भंडार से पूरा करें, हर एक चीज को आप स्वर्गीय भंडार से पूरा करें खुदा, दुनिया के छोर तक इस सेवकाई को लेके जा खुदावंत। हाँ प्रभु अपने बेटे और बेटियों को इस्तेमाल कर कि हम तेरी महिमा तेरा राज्य लेके आ सके प्रभु। तेरे नाम से इन सबको ब्लेस करता हूं यीशु मसीह के नाम में, आमेन। जोर से बोल सकते हैं आमेन। हालेलुया, थैंक यू। प्रभु आप सबको बहुत बरकत दे। जितने लोग ऑनलाइन हैं मैं निवेदन करूंगा, हमारी सभा ट्यूसडे में होती है और रेगुलर हम इसे ऑनलाइन करेंगे, और साथ ही सैटरडे और संडे में भी होती है। तो यदि आप जुड़ना चाहते हैं जूम से तो जूम से कनेक्ट हो सकते हैं, लाइव ज्वाइन होना चाहते हैं तो लाइव भी हो सकते हैं। प्रभु आप सबको बरकत दे। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।